Hello students, I hope all of you are fine and now starting of the new week. It's your worksheet number 6, English worksheet, and you have to do it with great understanding and carefully. बेटा आप सबको समरी दी जा रही है. अब ये जो वर्कशीट है ये आपके चैप्टर द डॉग फाउंड हिमसेल्फ, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर चैप्टर की समरी है ये. अब अभी तक आपने वर्कशीट्स की थी अलग अलग तरह से, आपसे वही चैप्टर के बारे में आपको बताया गया. अब आपको बेटा समरी दी जा रही है तो आप बहुत अच्छे से इसको करेंगे. और आज मैंने आपको इसीलिए फिल इन द ब्लैंक्स उसी में फिल करके भी दिए हैं ताकि आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है. तो देखिए ये वर्कशीट है आपकी 12 अक्टूबर 2020. यू हैव टू राइट डाउन योर नेम, योर क्लास टीचर नेम, योर रोल नंबर एंड स्टूडेंट आईडी. अगर आपको स्टूडेंट आईडी नहीं पता तो बेटा अपना रोल नंबर ज़रूर लिखिए. देखिए, डियर चिल्ड्रन, नाउ दैट यू हैव रेड द स्टोरी ऑफ द डॉग हु फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, लेट अस नाउ समराइज द स्टोरी. आज हम उसकी स्टोरी की समरी कर रहे हैं और आपको अपनी नोटबुक में इसको करना है. देखिए, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए थे, ये किसकी स्टोरी है, लायन की, मैन की या डॉग की. डॉग की, तो आपको फिल इन द ब्लैंक में लिखना है डॉग. दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ डॉग हु यूज्ड टू डैश हिज ओन मास्टर और बी वेरी हैप्पी. यस, वेरी गुड. हिज ओन मास्टर, जो खुद का मास्टर था, जो फ्री था. ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर हु वॉज, उसने क्या सोचा था बेटा, उसने एक डिसाइड किया था कि उसे अब एक मास्टर ढूंढना चाहिए. क्यों, हु वॉज, और कैसा मास्टर ढूंढ रहा था वो, वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन एल्स, जो और किसी से भी, बाकी सभी से सबसे स्ट्रॉन्ग हो. डॉलर देन तो नहीं चाहिए था ना, तो ये गलत है. आपका कौन सा आंसर सही है, स्ट्रॉन्गर देन. अब इसके बाद देखिए, फर्स्ट ही फाउंड अ डैश बट द वुल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ, तो सबसे पहले उसने किसको ढूंढा, सबसे पहले वो गया वुल्फ के पास, भेड़िया. फिर उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया था बियर और वुल्फ, तो वुल्फ सही आंसर है आपका. इसके बाद देखिए बेटा, बट द वुल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ, वुल्फ किससे डर रहा था, बट लेकिन जो वुल्फ था वो डर रहा था बियर से, तो यहाँ आपने बियर लिख दिया. द डॉग थॉट दैट द बियर वॉज द, डॉग ने क्या सोचा उस समय, क्योंकि वुल्फ जो है वो बियर से डर रहा है, वो उसने बियर को अपना मास्टर बना लिया. उसने तब सोचा कि वुल्फ इज वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ताकतवर है. आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट अ, अब उसके कुछ टाइम बाद वो किससे मिला, लायन से. जब वो कुछ समय बाद फिर एक लायन, एक शेर से मिला, हु सीम टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, वो काफ़ी लंबे समय तक उसके साथ रहा और उसे क्या लगा कि लायन ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है. बेटा जो फॉरेस्ट में है, फॉरेस्ट में तो लायन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, एनिमल्स में किंग ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है. तो उसके बाद ही स्टेड विद द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक उसके साथ रहा. वन डे ही रियलाइज दैट द लायन वॉज, एक दिन उसने महसूस किया द लायन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन, जो लायन था, शेर था, वो किससे डर रहा था, आदमी से डर रहा था. टू दिस डे द डॉग रिमेन्स मैंस बेस्ट फ्रेंड, उसके बाद से वो उसने अंडरस्टैंड किया कि जो मैन है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ है. तो उसने तब से मैन को अपना मास्टर माना. अब उसके बाद देखिए, लेट अस नाउ रिवाइज द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, अब हमें कुछ वर्ड्स हैं जो हमने स्टोरी से सीखे. तो यहाँ देखिए, सबसे पहला है डेयर्ड. डेयर्ड क्या है बेटा, साहस किया. तो टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, कुछ भी करने की साहस, कुछ भी करने का हौसला. टू बी ब्रेव, आपने उसको इतने बहादुर हैं कि उस चीज़ को आपने करने की, कुछ भी करने की हिम्मत की. तो हाउ डेयर यू, कहते हो ना हाउ डेयर यू, तो तुमने ऐसा साहस कैसे किया, तो यहाँ कुछ भी करने की वो हिम्मत. किन्समैन, किन्समैन क्या होता है, ओल्ड फैशन वर्ड फॉर अ रिलेटिव, तो ये रिलेटिव के लिए एक वर्ड है जो पहले यूज़ किया जाता था, किन्समैन. अब है फेयर्स, फेयर्स क्या है, वॉयलेंट और फ्राइटनिंग, बहुत ज़्यादा डराने वाला. अब उसके बाद देखिए बेटा, वॉयलेंट क्या होता है, वायलेंट होता है जब आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, आप इधर उधर चीज़ें फेंकने लग जाओ, समझ, बहुत ज़्यादा भयानक स्वरूप. आप डार्टेड मूव्ड क्विकली, डार्टेड मीन्स क्या है, मूव्ड
क्विकली, तेजी से मूव करना। उसके बाद क्लिफ, क्लिफ का मतलब क्या होता है, स्टीप हाई रॉक, बिल्कुल सीधी, जो आपने देखा है जो माउंटेन्स होती है वो एक स्लोप होता है, लेकिन जहाँ स्लोप नहीं है बिल्कुल सीधा ऐसे स्ट्रेट हाई रॉक जो होता है बिल्कुल चोटी, तो उसको बोलते हैं क्लिफ। उसके बाद है वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग क्या होता है, ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहना, उसको बोलते हैं वॉन्डरिंग। तो बेटा अब यहाँ पे देखिए फेयर्स वर्ड आपको ढूंढ के दिया गया है, आपको बाकी वर्ड्स यहाँ पर ढूंढने हैं। तो देखिए ये है किन्समैन, जो हमने वर्ड्स अभी ऊपर पढ़े वही वर्ड्स हमने यहाँ पर ढूंढने हैं। देखिए किन्समैन के बाद आप और वर्ड्स इसमें ढूंढेंगे, तो ये है डार्टेड। इस तरह से बेटा आप और इसमें वर्ड्स ढूंढिए, वॉन्डरिंग, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, ये देखिए आपके यही वाले वर्ड्स आपको यहाँ पे ढूंढने हैं बेटा, जो ये वर्ड्स है ना, डेयर्ड, किन्समैन, फेयर्स, डार्टेड, क्लिफ और वॉन्डरिंग। फेयर्स आपको पहले से मार्क करके दिया हुआ है मैंने अभी आपको, डार्टेड, वॉन्डरिंग, डार्टेड, किन्समैन आपको बताया मैंने अभी, तो आपका क्लिफ और डेयर्ड रहता है। तो आप देखिए अब एक ही बार में हम ये सारे वर्ड्स इसमें ढूंढते हैं। एक्चुअली क्या बेटा, ये जो मैं मार्क करती हूँ उसके अंदर यहाँ पे जैसे ही मैं पेन को चूज़ कर रही हूँ तो क्लिफ जो है उसका एफ छुप जाता है, ये आपका क्लिफ, इसके बाद ये हमारा था डार्टेड, अभी हमने यहाँ किया किन्समैन, इसके अलावा हमारा है वॉन्डरिंग, और देखिए बेटा अब आपका कौन कौन सा वर्ड हो गया, आप जज कीजिए कौन सा वर्ड रह गया है, अब हमें वो वर्ड इसमें ढूंढना है, डेयर्ड। देखिए हमारे थ्री वर्ड्स ये हमारे हो गए पूरे सिक्स वर्ड्स, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ये हमें छः ढूंढने थे बेटा, इसमें छः के छः हमने ढूंढ लिए। इस तरह से आपको भी अपना ये ग्रिड बनाना है और इसमें फिर ये आंसर्स आपको ढूंढने हैं उसके अंदर। तो देखिए अभी आपने वर्ड्स कौन से, फियर्स पढ़ा, फियर्स के बाद जो फ्राइटनिंग है, डेयर्ड, देन आपका किन्समैन, वॉन्डरिंग, देन डार्टेड एंड क्लिफ। तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द वर्ड्स, हैव यू हैव नोटेड ऑल द वर्ड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपने सभी वर्ड्स नोट कर लिए हैं और ये आप एक बार इनको यहाँ पर देख भी सकते हैं बेटा। और ये वर्ड मीनिंग्स बेटा साथ साथ आपको लर्न भी करने हैं और इनका सेंटेंसेस भी बनाइए, इनके आप अपने वर्ड्स में अपने सिंपल सेंटेंसेस बनाइए जो आप यहाँ पे मीनिंग कर रहे हैं। अगर इस मीनिंग पर बेस्ड पे आप अपने सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको हमेशा ये याद रहेंगे। और कोशिश करिए जो न्यू वर्ड्स आप सीखते हैं उन्हें यूज़ करने की कोशिश करिए। तो वॉन्डरिंग है ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्लिफ अ स्टीप एंड हाई रॉक, डार्टेड मूव्ड क्विकली, मार डार्टेड क्या है, तेज़ी से जब वो भाग गया था वहाँ पे पेड़ों के अंदर फॉरेस्ट के अंदर, तो डार्टेड, फेयर्स, देन किन्समैन एंड डेयर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड एंड द अबव, ये जो स्टोरी है बेटा ये आपको मैं इसलिए यहाँ पे स्टिल करके दिखा रही हूँ, ये स्टोरी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना आता है वो बच्चे इसको डायरेक्टली, बेटा मैंने इसलिए स्टिल किया हुआ है इसके ऊपर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद आप इस स्टोरी को अपनी नोटबुक में करिए और इसे लर्न भी करिए साथ साथ। इससे आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे और सभी बच्चे टाइम पे काम करके अपने टीचर के पास भेजेंगे बेटा और सभी इसे साइड बाय साइड लर्न भी करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स जो आपके बुक में दिए गए हैं चैप्टर पढ़ने के बाद उसके इनटेक्स्ट क्वेश्चंस भी आप कंप्लीट कर लीजिए। आज आपको समरी दे दी गई है तो आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। अब सभी बच्चे चैप्टर को रिवाइज करके एक बार एक रीडिंग करके गो थ्रू करके लास्ट जो वर्कशीट्स हैं उनमें भी एक बार देख करके आप इनको
क्वेश्चन आंसर्स करके इसको पूरा रेडी कर लीजिए। कभी भी एग्ज़ाम्स हो सकते हैं बच्चा, एग्ज़ाम कभी भी अनाउंस हो जाएंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे या फिर आपको स्कूल बुला के एग्ज़ाम करवाया जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए रेडी रहना है। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको साइड बाय साइड आप लर्न भी करते जाइए। तो आशा करती हूँ आप सभी बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। कीप लर्निंग, इंजॉय लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। थैंक यू।